बारे में आपसे बात करना। देखो गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इतनी छोटी छोटी बातों में पति मारे जाने लगे तो कल को पतियों को कोरोना फैल जाएगा। ये गाना बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा पिक्चराइज, बहुत ही अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये गाना रील्स पे बहुत वायरल हो, जिसके होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और दुआ तो यही है, क्योंकि आज कहते हैं कि जो गाना रील्स पे हिट है वो जनता में हिट है। yes, तो मेरी दिल से दुआ है कि तुम्हारा गाना ये रील बन जाए। क्या बात है, अच्छा शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर रील बनाने की बात है वो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसी दो बहनें मिलनी भी चाहिए ना शेयर करने के लिए। राजू भाई अपना भी, राजू भाई आपने भी कहा छोटी बात है, कोई बीवी कहीं और चली जाए यार, एक तो ये ना पति कहीं और चला जाए तो काम बोल रहा है, ये इतना चला है ना कि हाँ। छोटी सी बात को पकड़ के कैसे हो हल्ला मचाना है यार। मैंने जो किया है जोक को जोक की तरह लिया करो, अगर सीरियस ही हो ना तो किसी और के पास चले जाया करो, हमारे पास क्यों आते हो। नहीं देखो, मुद्दा बड़ा सीरियसली उठाया गया, हमारा काम है कि पतियों की बाट लगाई जाए। और जब हम बाहर होते हैं, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम स्टैंड अप करते हैं तो अक्सर हमारा शादी पे पत्नियों के ऊपर व्यंग किए जाते हैं बहुत सारे। मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक गाने में आके बदला ले लिया जितने व्यंग आज तक हमने किए थे। और निकिता ने जो कत्ल किया है उसके लिए माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गलत काम करेंगे तो माफी बनती है, ठीक है ना? नहीं बनती थी। आदिल भाई क्या था आपको? अच्छा, अगर लड़का धोखा खाता है तो देखो, लड़का धोखा खाता है वो पत्थर भी खाता है, लड़की मारी जानी चाहिए। नहीं हां, आदिल भाई क्या कहेंगे? आदिल क्या कहेंगे आप? अगर धोखा हो क्या करेंगे? मैं हिंसा के खिलाफ, मुझे था बैठ के सुलझा लिया जाता, लेकिन हमारा बजट खत्म हो गया था वहाँ पे आगे गाने का, हमने कहा अब क्या करें, आदिल भाई आपकी राय क्या है? सुलझाने के लिए एक दिन का और शूट चाहिए था, काफी इमोशनल हो गया आदिल भाई। आपकी आपकी राय क्या है? मेरी राय, धोखा वर्ड मुझे बहुत ज्यादा क्लोज है आप लोगों को पता है, बिकॉज रियल लाइफ में मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। तो इनसे यही मैं पूछ रहा था कि अगर लड़के को धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए? फिर भी लड़के को मरना चाहिए, तो ये सपोर्ट करेगी, लड़का मरना बहुत आसान होता है थोड़ी चीजों में ना, मरना बहुत आसान। मैं ये कहता हूँ कि पहली बात है कि मरना, मौत, कत्ल, सुसाइड, ये किसी समस्या का हल नहीं। सीरियसली, तो चलो मजाक एक तरफ, लेकिन सीरियस बात ये है, कत्ल, आत्महत्या या डिप्रेशन में जाना या गम को गले से लगाए रखना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान हमेशा बातचीत से होता है। किसी भी चीज़ के लिए बातचीत अवश्य करनी चाहिए, गलती हुई है सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंसा थोड़ा सा मैं खून से डरता हूँ। चलिए आदिल भाई आपका टेक क्या होगा इस पर? देखिए गाना मैंने देखा, गाना बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। इन्होंने निकिता ने बहुत हार्डवर्क किया है उसमें, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। जब मैं देख रहा हूँ ऑन स्क्रीन इनका, मैं जो गाना देखा, शी इज़ डन अ वेरी गुड वर्क एंड आई रियली बेस्ट गुड विशेस टू हर कि गाना बहुत ज़्यादा अच्छा एंड तहे दिल से आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस सॉन्ग, दैट इज़ व्हाई। जैसे कि अभी आपने कहा कि धोखा दिल में कहीं आया कि धोखे दे तो फिर आते, लेकिन संविधान के वजह से हम कुछ नहीं कर सकते और हमको करना नहीं चाहिए, बट एंड ऑफ द डे दिस इज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं ऑफ बीट करूँ तो पूरी टॉपिक अब बदल जाएगी, ये लोग भी उठ के चले जाएंगे बेचारे। सो आई हैव रियली कम टू प्रमोट दिस सॉन्ग बिकॉज शी हैज डन अ वेरी गुड वर्क हियर। कहीं ना कहीं एक स्टोरी है ये, सेम हियर। सो ऑल द बेस्ट, ओके ओके, डन 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 डन, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू भाई। क्लोज है, बट ये गाना थोड़ा ऑपोजिट था, यही मैं कह रहा था कि अगर लड़के को धोखा मिलता है तो क्या करना है चाहिए। कहीं ना कहीं रील पे जैसा लगता है, मर्डर कर देना सेकंड शॉट में, हाँ वो ज्यादा चलेगा। इनफैक्ट अगर वो होगा ना बहुत ज्यादा चलेगा। चलो ऐसे ही कर देते हैं। आदिल आपकी लाइफ से कहीं मिलता जुलता है ये, मेल खाता है कुछ? डेफिनेटली डेफिनेटली खाता है, बहुत ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? हाँ होता है, हो चुका है। एक्चुअली क्या है, मेरी लाइफ में लड़का इनोसेंट है और उसको छुरी
वो होता है ना लास्ट सीन हो गया है, उल्टा हो गया है। निकिता तो आप क्या, मेरी स्टोरी आप क्या कहना चाहोगे आदिल के बारे में, क्या जवाब आपका इसके बारे में? आदिल ने जो बोला कि कहीं ना कहीं स्टोरी मेल खाती है, क्या होता है ना वो कह रहे हैं, और हम ऐसा नहीं है कि आप मुझसे पूछ रहे, हम सबको पता है कि स्टोरी मेल खाती है, सब जानते हैं कि स्टोरी मेल खाती है, बट अभी फिलहाल आदिल के इमोशंस हम समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट इसका बनाना चाहिए और उसमें लड़की का मर्डर करना चाहिए। निकिता क्या कहना चाहिए, कहीं ना कहीं रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में अगर धोखा मिलता है कहीं ना कहीं लोग जो है गलत कदम उठाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, धोखा करोगे तो मारे मारे जाओगे, सिंपल है। मौका नहीं देना चाहिए, एक मौका नहीं देना चाहिए। आदिल ने कितने मौके दिए? अच्छा, मौके के बीच में जेल भी तो चला गया, मैं मौके देते देते। नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम में आप साथ में काम करोगे आदिल और आप? नहीं, क्या है कि मैं साथ में काम करने के लिए बात नहीं है, बात यह है कि अभी स्टोरी ये हो रही है कि ये लड़की का मर्डर करेंगे, ठीक है ना, अब वो मेरा मर्डर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, तो हम उसमें भी और एक लड़की रख लेंगे, हम उसका उसका मर्डर करेंगे। आदिल भाई इसमें क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, म्यूजिक सब लोग पसंद किया? नहीं, ये गाना बहुत अच्छा था, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा शी इज अ वेरी गुड एक्टर इन दैट, इन्होंने बहुत मेहनत की उसमें, जो इमोशंस के साथ वो जो दुख वाला रोने का जो होता है ना वो सीन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एंड शी हैज डन इट वेरी वेल, मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा, मैं वेरी ओ क्राइंग। शूट के दौरान हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे और बुरी चीजों का एक्सपीरियंस किया, रेस्ट ही है जो हमारे मेन स्टार है, इनकी वजह से ही सारा काम हुआ, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने, तीनों ने बहुत मेहनत की है, हमारा म्यूजिक में और कॉन्सेप्ट में हमारे कुणाल जी ने बहुत मेहनत। मैंने पहले तीन सॉन्ग किए हैं, ये वाला थोड़ा अलग था क्योंकि ऐसा मैंने कभी प्ले नहीं किया, तो मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोला कि मेरी आंखों में देखो, समझ गया तो उसके बाद बस वन टेक सब गया, नहीं, नहीं। है ना, क्योंकि मैं इनकी आंखें पढ़ ली थी मैंने, हाँ, तो फिर मुझे और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं करता गया। निकला इसका पार्ट टू भी बनेगा क्या? एक सेकंड, सॉरी, ओके गाइस, लेट मी लीव, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस सॉन्ग। बैठो सर, बैठो ना सर, बैठो सर, अदर भाई यहाँ कोई नहीं, बैठो ना, आएगा, आएगी, आएगा। इस गाने में जो गैर है वो मैं हूँ, और जो चुना गया, जिसने चुना है वो ये, और जिसे चुना लगा है वो है। ओके, सो ये सोचा, ये तो इन्होंने प्लान किया था मुझे, मैंने इतना इजीली नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कुछ कर दूंगी, हम तो कुछ और काम कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो तुम करो, और तुम्हें यू 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 इस तरह से करना है, मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, और फाइनली ये आपने देखा वो बाहर आया है प्रोडक्ट बनकर, सो क्यों आपने मुझे फोर्स किया? मुझे लगा कि आप कर सकते हैं, आपकी वजह से क्लेश हो सकता है, जो बहुत रियल लगेगा और वो हुआ भी है, सबने अप्रिशिएट किया है, बाकी भाजी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा, नहीं नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, कोई स्ट्रेस नहीं आया। अच्छा मैं एक चीज बोलना, आपने ये वाला जो स्टेप इसके पीछे क्या रीजन है? ये हाँ हाँ हाँ, ये मतलब मैंने ऑन शूट भी पूछा भाई ये करना जरूरी है, वाज वेरी पर्टिकुलर के कमर पे ये चलाया जाएगा, तो ये क्या पास्ट में कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ था तो नहीं, बट वो एक सोच थी की मतलब अगर आप किसी एक चाहने वाले को करते हुए आपका सिग्नेचर होता है, आपकी मतलब आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ करते, तो वो एक औरत एक स्त्री कभी भी नहीं चाहेगी कि आप वो सेम कुछ ना कुछ आप गैर औरत के साथ करें, डीप डीप, तो चाकू बजा वो इसलिए बजा, हाँ ये उसका कुछ रीजन था, बाकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है, पता नहीं आपके बात और जैसे बोलिए कुछ और। म्यूजिक की बात करें सर, म्यूजिक का कैसे ना सुना सर, जी 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 बताएंगे सर म्यूजिक के बारे में सर।
म्यूजिक ऐसे था कि ये गाना ये कि ये पूरी जर्नी है, ये मतलब होती गई लोग तो ये पूरी जर्नी थी होती गई हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट से बहुत स्टोरीज चेंज हुई, फिर यहाँ पे जाके हम रुके, तो इस बीच में बहुत चीजें हुई हैं सिंगर्स को लेके, बहुत चीजें हुई थी कि किससे गवाएं। सो असमत सुल्ताना जी ने बहुत अच्छा गाना गाया, उससे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता था, तो श्योर श्योर था कि उन्हीं से गवाना है। सो आज किसी रीजन की वजह से हमारे साथ नहीं है, तो अब डिमांड मैडम की डिमांड पूरी कर लीजिए। चलो मैं दो लाइनें सुना देता हूँ। वो खुशनुमा देखे हैं औरों की महफिल में, बन के मौत सीने पे तंज कसता है, दिल तोड़ के मेरा गैरों में हंसता है, उन्हें लगते हैं अच्छे कोई गैर सुन लिया, हमें छोड़ के जिसने कोई गैर चुन लिया, हुण कित्ता मन समझावा उनू किवें मैं मनावा, कदमां विच दिल है तेरे बेबस हो गई मर जावा, छड़ जिंदगी मैं मौत नू है खैर चुन लिया, उन्हें लगते हैं अच्छे कोई गैर चुन लिया। तो बाकी जरूर सुनो आप गाना और देखो वीडियो, आप सबको अच्छा लगेगा, बड़ी मेहनत की है हम सब ने। मैं कहना चाहूंगी निक्की ट्यून्स पे ये रिलीज हुआ है आज आप सबके सामने, सब उसे गाना सुनिए, उसकी रील्स बनाइए और हम सब को टैग करिए। मैं हूँ आस्था रावल, ये है रेस्टी कंबोज, महाशय है ओए कुणाल, निकिता जी रावल, असमत सुल्ताना, हसमत सुल्ताना जी को भी करिए, और जितने भी आप जिनको प्यार करते हो उन सबको टैग करना बिल्कुल मत भूलना, इसे शेयर करो और उस पे रील्स बनाओ। बहुत लोगों से क्या रहेगा, धोखा कौन नहीं खाता, धोखा सिर्फ प्यार में नहीं होता, आजकल आम धोखा होता है पैसों से, लोग काम के लिए एडवांस ले लेते, पैसा काम नहीं करके देते या उधार ले लेते नहीं देते, ये भी एक टाइप का धोखा है, प्यार में धोखा होता है। आई गेस पहले प्यार का मतलब प्यार होता था, आजकल प्यार का मतलब फैशन हो चुका है, लोग जैसे कपड़े पहनते वैसे रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलते हैं, आजकल लिव इन बहुत आम हो गया है आप देखेंगे तो, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से नहीं चलती, और आज निकिता ने ये गाने में क्लियर स्पष्ट किया है कि अगर धोखा देंगे तो उसकी सज़ा होनी चाहिए, अगर कानून नहीं देता तो आज की नारी इतनी क्षमता रखती है कि अपना डिसीजन खुद ले सके और खुद का डिसीजन से वो सामने वाले को दिखा सके, बॉस मैं भी अगर मुझे धोखा दिया तो सबक तो जरूर मिलेगा। हाँ लेकिन ये सब सिर्फ कैमरे तक ही सीमित है, इसे अपनी प्राइवेट लाइफ में यूज मत करिए। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। लेकिन अगर कभी बाइट दिखती है तो जैसे अगर लव बाइट्स क्या है कि आई गेस अगर डेफिनेटली अगर लव बाइट दिखती है तो सामने वाले को गुस्सा आएगा, अगर मेरी पार्टनर मुझसे धोखा करती है या मैं उससे धोखा देखता हूँ मेरे गले पे बाइट तो उससे गुस्सा आएगा, बट हर चीज़ का बातचीत से सलूशन हो सकता है, अगर नहीं पसंद है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो डाइवोर्स इज अ वेरी इजी सलूशन फॉर इट, कि डाइवोर्स 6-8 महीने में मिल जाता है, डाइवोर्स ले लीजिए, मर्डर करना जरूरी नहीं, ये एक हमारा नाटक है, सॉन्ग एक किया है तो उसके हिसाब से विजुलाइजेशन है, उसको एंजॉय कीजिए, इमोशंस को पढ़िए, जो निकिता के दुख है जो दुख निकिता ने दिखाया है वो दुख को समझिए, देखिए कि कितना दर्द हुआ है, जैसे हमको आज पता चला कि निकिता के पैर भी जल गए थे, वो इमोशनली ड्रेन्ड हो गई थी, तो कितना पीड़ा एक होता है एक एक्टर को भी, उसकी पीड़ा समझिए, आपको बहुत कुछ ये सॉन्ग से सीखने मिलेगा, एज ए लर्निंग सीखे ये सॉन्ग के अंदर किया है, ना कि खाली मर्डर देखिए, खूबसूरत देखिए कि आस्था का लॉन्च हुआ है, आस्था का ये पहला गाना है तो कितनी खूबसूरत एक आर्टिस्ट आपको आज मिली है उसके बारे में बोलिए, ना कि सिर्फ मर्डर। सिंगर जो गायिका है उन्होंने सुल्ताना जी ने बहुत अच्छा गाया है उनके बारे में बात कीजिए, जो डायरेक्टर है उन्होंने जो उंगलियों का स्टेप किया वाकई में बहुत अच्छा लगा वो, उनके बारे में बात की, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं,
ना कि सिर्फ एक चाकू घोपने वाला सीन है जिसके बारे में आप बात करेंगे, तो मैं कहूंगा जो अच्छी चीजें हैं, लोकेशन है, निकिता की एक्टिंग है, आस्था का लॉन्च है, इसके बारे में अप्रैल में 48 डिग्री में हमने शूट किया हुआ है जहां हमें पानी तक नहीं मिल रहा था पीने के लिए और बिल्कुल ड्रेन्ड आउट थे हम सारे और स्केड्यूल हमने काफी टाइट अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक का था. सो दैट वाज द रीजन ये सारे चैलेंजेस थे जिसमें ये सॉन्ग बना हुआ. तो फिर सर क्या कहेंगे सर, मुझे आपसे पूछना है, बहुत सारी तालियां बजा आपके गाने में, कितने क्या रिएक्शन है, कितना हैप्पी है, इतने सारे प्यार मिले सर. सेंटर देखिए सर, यहाँ देखिए आप. हाँ वेल ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही मुझे प्यार और धोखा दोनों देखने मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. इंसान को अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए, तो इट इज़ बेटर कि टीवी में देखा कि मतलब रियल लाइफ में कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये खुद पे डिपेंड होता है. और मैं एक चीज कहना पॉजिटिव, ये सारे सिचुएशन हर एक के लाइफ में आते हैं, बट यस मुझे लगता है कि फाइटिंग विद दैट सिचुएशन टू चेंज योर माइंड वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रादर देन टेकिंग एनी बैड स्टेप फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी वन एल्स. मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे हम बहुत खुश होते हैं ना तो हम मुस्कुरा देते हैं, जैसे हम अभी मुस्कुरा रहे हैं, लॉन्च है, निकिता का नया सॉन्ग आया है तो हम सब मुस्कुरा रहे हैं, और जब हम बहुत ही दर्द में होते हैं या दुखी होते हैं तो हम गा लेते हैं. तो अगर आप दुखी हो तो ये गाना देखिए, रील बनाइए, गा लीजिए. मैं भी जब कुछ ऐसा मूड में हो, इमोशनल होऊंगा डेफिनेटली. और जैसे आप सबको पता है मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये गाने को बेस्ट म्यूजिक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिले, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि इनको एज अ डेब्यू का लॉन्च एज ए एक्टर अवार्ड मिले. और निकिता को बेस्ट परफॉर्मेंस ही, उनका दूसरा गाना है निकी प्रोडक्शंस में, सो आई विश निकी ट्यून्स, सो निकी ट्यून्स को बहुत बहुत बधाई. और निकिता लव यू यार, तूने तो. और भाई आपने ये बात बोली है कि वहाँ पे जब भी आप उदास होते हैं, इमोशनल होते हैं, तभी ये गाना देख लीजिए और रील्स बना ले, क्यों जो हंसते हैं वो रील्स नहीं बनाएंगे. नहीं जो हंसते हो नहीं, ये गाने में जैसे मैं बहुत कुछ सीखने, बट हम जैसे बोलते जब हम हंसते हैं तो खुश होते हैं और जब दुखी होते तो गा लेते हैं, तो गाना और दुखी कौन नहीं होता आज की लाइक, कभी भी होता है, हमारा पेट बीमार है, दुखी हो जाए, पड़ोसी के साथ कुछ हो जाए, माता पिता के साथ कुछ हो जाए, भाई, तो ये सॉन्ग बहुत ही इमोशनल है और हम इंडियंस इमोशनल के लिए जाने जाते हैं. जब दूसरे की गर्लफ्रेंड बीमार होती है. नहीं यार वो नहीं, बट हम जब ज्यादा इमोशंस होते हैं, हम इंडियंस हम जाने जाते हैं इमोशंस के लिए, हर किसी में इमोशन से मेरे राजीव जी सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया लॉन्चिंग में, देखा सिटी बजे ताली जैसे फिल्मों को देख के निकले हुए, कितना एक्साइटमेंट है आप फिल्म जैसे आपको रिएक्शन मिल रहा है निकलने में, बहुत अच्छा है. और विकिता जी और दोनों बहन एक साथ था, दोनों ऐसा कब मौका मिलता दोनों बहन के एक साथ मौका मिलता, पर आपने दोनों बहन के एक साथ मौका दिया, तो किस तरह के एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताएं, दोनों बहन परेशान किया शूट के दौरान या कुछ एक्सपीरियंस दौरान? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इन लोगों ने जितना शूट किया, मुझे याद है गर्मी का मौसम था जब लोगों ने शूट किया, आई स्टिल रिमेंबर कि निकिता ने मुझे बताया एक दिन फोन पे, नंगे पे जा रहे थे, पैर उठाने पड़ गए, it's a tough fight which she has done in 48 degree and that of the marble to aise hi garam hota hai aur uske upar shoot karna apne aap mein adakara hi kar sakti hai, usko waqai ada aati ho jo kalakari aati hai, dusra nahi koi kar sakta. kya baat aap kuch bolna chahte sir? Again same, mera to first experience hai, abhi naya naya hai mere liye bhi, तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, इससे अच्छा और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, जैसे आपकी न्यू सीरीज पे आप काम कर रहे हो, वो सरप्राइज की अपकमिंग सीरीज आ रही है जिस पर ही इज वर्किंग, अभी स्टोरी पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है एंड ऑफ दिस ईयर हम या मे बी नवंबर तक में हम शूट स्टार्ट करने वाले हैं. सो हमेशा हम सबका प्यार चाहिए होगा, जिस तरह से आप आज आए हो और हमेशा हमारे साथ रहते हो, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका प्यार मिलता रहे. मतलब दोनों बहन साथ में हो इस सीरीज में भी, दोनों बहन हो. हाँ जी हाँ जी, क्या वही भी लग के लग, मतलब कम मतलब आप दोनों साथ है ऊपर वाला लग, आपने जो इन्वेस्ट भी किया सही जगह किया ताकि लोगों को प्यार मिल जाए. सिर्फ एक चीज और कहनी है कि अभी पीछे आने वाले दिनों में
यूपी में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यूपी में शूट की जाने वाली सारी पिक्चरों पे और सीरीज पे सब्सिडी और बाकी अभी तक तो बात नहीं हुई। मैं जस्ट आया हूँ, आते मीडिया ने पकड़ लिया, अभी उनसे बांधकर जाने को मौका नहीं मिला है। जाके लगा दोगे ऐसा कोई सीरियल ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जहाँ मेरे बिगर भगवान के आशीर्वाद से आधा 90% काम होता है। क्या बात है, दोनों बहन ने पूरा मसाला गरम मसाला डाल दिया गाने में। आपके बहन ने बहन को धोखा दे दिया। डायलॉग धोखा से आर्टिफिशियल कैमरा के सामने, रियल लाइफ में दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है और हर इवेंट में रहते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती और अच्छा प्यार इनके बीच में, लेकिन दिखावा कुछ है, सच्चा और झूठा है कुछ अलग चीज है। आज तक जब क्या बोलना चाहते हैं लखानी साहब, टाइम निकाल के आपके। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड से मैं इनको देखते आई हूँ। इनके साथ हमने बहुत सारी चीजें, सारे मूवी, सारे सॉन्ग, उन्होंने हर पॉइंट पे हमें सपोर्ट किया हुआ है और आज भी आई एम रियली हैप्पी कि आप आए हो। थैंक यू सो मच आने के लिए एंड आपका प्यार हमेशा हम पर इस तरह से रखिए। ये हो गया, थैंक यू, जो भी कहना चाहूंगा, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं धोखा 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 दिया, एक बहन ने दूसरी बहन को धोखा दिया, मैंने भी बोला, मतलब सब लोगों ने ये बात बोली, लेकिन आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी है यहाँ पर कि इतना अच्छा और इतना रियल किया कि लोगों को यकीन हो गया, लोगों का ट्रस्ट हो गया, तो उसके लिए पहले क्लैप बनती है। आस्था के लिए, निकिता के लिए, रश्मि के लिए, सीरियसली बहुत अच्छा काम किया, और हमारे ओए कुणाल जी के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा उसको डायरेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एज एन एक्टर आप तभी अपने आप को अचीव कर सकते हो जैसे सामने वाले लोग आपको उस कैरेक्टर और उस किरदार में देखे, और वो चीज आप लोगों ने साबित कर दी उसमें से। मैं आपके बारे में बहुत तारीफ सुना, काफी लोगों का आवाज निकाल लेते हैं, मैमिक्री कर लेते हैं आप। आवाज नहीं करती, मैं डांस करती हूं। सुपर डुपर एक्टर है मैम। तो मैम आप बताओ, गाना देखे आपने, क्या कमेंट करना चाहते हैं क्या? सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन बोलूंगी, का प्रेजेंटेबल ये था, और दूसरा मुझे बहुत खुशी है कि आस्था इस वीडियो से प्रमोट किया है, ऊपर लॉन्चिंग किया है। निकिता जी तो है ही पुराने और उनके बारे में तो क्या कहें, लेकिन आस्था ने मतलब आर्टिस्ट को है, टैलेंट टैलेंट टैलेंट, क्योंकि बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है निकिता, और बहुत अच्छी डांसर है, सबसे बड़े और उन्होंने बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा, और उनकी मेहनत का ही नतीजा है जो वो आज यहाँ पहुँची। सही बात, और आज आस्था भी यहाँ पर साथ में चल रही है। आस्था का ये शुरुआत है, लेकिन आस्था कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कहाँ दिखाई दे। ओह क्या बात है, क्योंकि आप लोग ये बोल रहे हैं दो बहनों ने बहनों को धोखा दिया, नहीं, स्टोरी लाइनअप में लोगों को थोड़ी पता ही है, ये बात तो कोई बोल ही नहीं रहा है। धोखा देने के बाद सक्सेस मिलती है। ओ भाई सही, लेकिन आप लोगों ने एक मुझे इस पूरे गाने में सिर्फ निकिता जी का एक लुक ऐसे दिल को छू गया। कौन सा, कौन से वाला, रोने वाला, इमोशनली नेचुरल, नेचुरल जो उठते हैं ऐसे करके, नहीं जो खंजर, जब वो आस्था के साथ, इस लड़की के साथ, नॉट आस्था, राइट, ये मॉडल के साथ जब वो लड़का आता है और वो जो क्लास में हाथ रख के देखती है, जो उसका लुक था वो यहाँ खंजर, क्या बात, क्या बात, तो वो जो लुक था ना निकिता का, वो तो अमेजिंग, बाकी पूरा गाना ही बहुत खूबसूरत है। और जहाँ तक आस्था का बात है, आस्था बहुत खूबसूरत लगी हो, क्यूट लग रही है, बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, नेचुरल, मतलब ब्यूटीफुल। ये ना हर कोई अपना जब फर्स्ट लॉन्च होता है तो सोचते हैं कि कुछ क्यूट करे, कुछ पॉजिटिव करे, कुछ अच्छा करे। मेरे हिस्से वो काम आया जो सबसे डिफिकल्ट था। जी नहीं, नहीं, नहीं। आपने शाहरुख खान की डर मूवी देखी? ओह तो उसके बाद ही वो ज्यादा फेमस हुए। डर के बाद लोगों को लगा रहे इन्होंने तो विलन कैरेक्टर कर दिया, लेकिन ना कुछ असर नहीं हुआ। आर्टिस्ट को ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, राइट, आई एग्री, आर्टिस्ट इज राइट, राइट। सो मैंने, हाँ ये कहीं लोगों ने मुझे बात कही कि नेगेटिव है या, मैंने कहा नहीं, अगर ये करना है तो करना है, अगर आप में एक्टिंग अच्छी होगी, अगर आप
सच में अपने आप को जस्टिफिकेशन उस कैरेक्टर को दे सकते हो तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो। इसके बाद जब पॉजिटिव मिलेगा तो लोगों को मेरी पॉजिटिव साइड भी पता चलेगी, मेरा बबलीनेस, चार्मिंग नेचर, वो सब पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट विच इज आई एम नॉट नेगेटिव। लेकिन ये गाना सारे दिल जलों का फेवरेट होगा। और गाइस एक चीज मैं आपको, इसको मौका दोबारा धोखा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे धोखा मिल मिल के यहाँ तक पहुँचाऊँ, अगर धोखा नहीं मिलता तो यहाँ पर होता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है गाइस और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी जान, आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया हम लोगों को। और सीरियसली बात बताओ, अगर आप नहीं हो तो हमारी बात, हमारी चीजें सच्ची में हमारी ऑडियंस के पास नहीं पहुंच सकती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, और आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन आपके लिए लव यू। थैंक यू बहुत पसंद है। और ये गाना मैं तब से सुन रही हूँ, जब ये बनना स्टार्ट हुआ था, तो मैं डे वन से कनेक्टेड हूँ विद एवरीवन, बिकॉज मैं इस गाने में नहीं हूँ किसी भी तरह से, लेबल के तरीके से नहीं हूँ, बट क्या कहते हैं वो, पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व हूँ वैसा है। और मुझे गाना बहुत पसंद है, इसके लिरिक्स बहुत पसंद है, और रेसी बहुत हॉट लग रहा है, एक डिफरेंट उसका साइड निकल के आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और लुक भी बहुत अच्छा आया गाने का, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कुणाल ने कम्पोज किया, तो मैं कुणाल को हमेशा बोलती हूँ कि मैंने उनकी आवाज़ में भी पहले सुना हुआ है, तभी मैंने यहाँ पर बोला था पीछे से कि आप भी सुनाओ ये गाना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा कंपोज किया है, तो मैंने वो भी सुना था। ऑब्वियसली जिन्होंने अब गाया है हसमत सुल्ताना जी ने, उनकी आवाज़ बहुत अमेजिंग है, पंजाब में तो बहुत ही फेमस है वो, तो बहुत अमेजिंग। जाना चाहता, बहुत अच्छे एक्टर भी हो, काफी सारे शो भी किए आपने, ठीक है, तो आपने एक्टिंग के मामले में बताया किस तरह की एक्टिंग लगा दोनों बहन के? मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जब निकी ने जब वो रोने वाला सीन था स्पेशली, सबने बहुत हूटिंग भी करी थी उस गाने पे सीन पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एकदम ऐसा कनेक्ट होता है ना कि हाँ, मतलब किसी के साथ ऐसा गलत हुआ करके, तो वो पर्टिकुलरली वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम आपने भी काफी सारे शो हिट दिए हो कलर्स के, स्टार के, कुछ अपने बारे में बता दो, काफी लोगों को नहीं पता है। हाँ मैंने काफी लोगों को अब नहीं पता है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा सा टीवी का डिजिटल में ज्यादा शिफ्ट हो गए, थोड़ा मैं भी डिजिटल में शिफ्ट हो गई। मैंने पहले काफी टीवी शोज किए हैं, बट अभी उतना ज्यादा नहीं चल रहा है टीवी का, क्योंकि अभी कुछ और प्लान्स हैं आगे के। सो डिजिटल में अच्छा है फिलहाल, यूट्यूब अच्छा चल रहा है, इंस्टाग्राम सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो होपफुली और भी अच्छा टीवी में शायद कुछ आ जाए। इंटरेस्टिंग। थैंक यू।